उपवास शब्द अर्थ उपवास शब्द अर्थ गोविंद राधे उपवास शब्द अर्थ गोविंद राधे जीव का वास हो जीव का वास कृष्ण पास हो बता दे जीव का वास हो कृष्ण पास बता दे वेद में उपवास शब्द का अर्थ बताया गया है। देखो जो वेद नहीं जानते वो बेचारे कितने बुद्धू बने रहते हैं, इनको पंडित लोग बेवकूफ बना देते हैं। वेद में मंत्र है, बराहो उपनिषद में, उपनिषद का मंत्र उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो उपवासस्य विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्। शरीर को सुखाना भूखे रह करके ये उपवास नहीं है। इतने जोर से डांटा है पंडितों को। फिर जीवात्मा परमात्मा के पास वास करने जाए, दोनों पास पास पहुंच जाए। उपमाने पास और वास माने आप जानते ही हैं निवास करना। जीवात्मा परमात्मा के पास जाए भक्ति करके, ये उपवास है। और उसका अर्थ क्या लगाया पंडितों ने, उपवास माने भोजन न करना। और फिर और आगे बढ़ गए कि अन्न न खाना और रबड़ी मलाई मिठाई जिसमें अन्न न हो। आज तो सैकड़ों मिठाइयां बनती हैं, दूध की, मलाई की, कलाकंद है, आज तो एकादशी है। सेठ जी आज फलाहार कराना भाई कलाकंद का, ये इनका उपवास हो रहा। पुराणों ने उपवास का अर्थ किया कि फलाहार करना और रात भर कीर्तन करना। फलाहार का मतलब हल्का आहार। पंडितों ने कहा ये अर्थ हमारी समझ में नहीं आता, हल्का आहार, डट के खाना चाहिए और खर्राटे में सोना चाहिए, कौन जागे रात को। हाँ, तो उपवास का अर्थ मैंने वेदों के अनुसार एक दो लाइन में बता दिया। थैंक यू।